नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं निशा आपके साथ और इस वक्त हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय मार्ग 117 के किनारे एक मीटर बॉक्स में आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की दो गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बताते चले कि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत किया लेकिन असफल रहे। मीटर बॉक्स के पास खड़ी एक बाइक में भी आग लग गई और वो पूरी तरह से जल गई, साथ ही एसी मशीन के भी जलने की खबर है। और इस वक्त आपको बता दें कि बांगूर के आलाकुलिया में एक बार फिर बम धमाका हुआ, इस वजह से इलाके में तनाव फैल गया है। बता दें कि आज सुबह कई लोगों ने इलाके में बम पड़ा हुआ देखा। सूचना पाकर काशीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चार ताजा बम बरामद किया। पंचायत चुनाव से पहले बम मिलने की घटना से लोग दहशत में हैं। कोलकाता नगर निगम ने आज रॉक्सी बिल्डिंग के नीचे अवैध रूप से कब्जा किए हुए दुकानों को सील कर दिया है। आज कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी दुकानों को हटाया। इस दौरान 13 दुकानों को ताला लगाया गया है। निगम सूत्रों के मुताबिक 7 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया गया था, 7 दिन बीत जाने के बाद भी दुकान नहीं हटाया गया, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।